स्ट्रेस इस साल से मैंने लेना शुरू कर दिया था, मुझे बहुत बुरा लगता था। इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ के आप गोलगप्पे खाने थोड़ी ना आए हो। सॉरी, मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर सकते हो। होता है तो मुझे आपसे टिप लेने की शायद जरूरत नहीं, और कम से कम 2-3 गाड़ी तो हो, BMW वगैरह, है ना। लेट देम बाक। घर वालों को भी एक टाइम पे हम बेवकूफ लगने लगते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो फाइनली हम लेकर आ गए अपना Q&A वीडियो। मेरे चैनल पे ये पहली बार होने वाला है, मैंने इससे पहले कभी कोई Q&A वीडियो नहीं किया है और ना ही किसी ने मेरे से कभी इतने सारे सवाल किए हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम कम्युनिटी पे पोस्ट डाला और उस पर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। आई नो आप लोग भी काफी ज्यादा वेट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, मैं भी बहुत ज्यादा। Q&A वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस देख के मेरा पहले तो सर में दर्द हो गया कि हाय, मैं ये इतने सारे क्वेश्चंस कैसे टैकल करूंगी एक वीडियो में बैठ के। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। हालांकि मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बहुत हम जल्दी करेंगे, एक रैपिड फायर काइंड ऑफ होने वाला, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं 250+ क्वेश्चन है, तो आप खुद सोचो वीडियो कितना कितना लंबा हो जाएगा। तो अपना चाय कॉफी पानी कोल्ड ड्रिंक सब लेकर बैठ जाना था कि आप लोग वीडियो में बोर ना हो। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं लिया सिवाय पानी की बॉटल के। मैंने नोटिस किया है कि काफी क्वेश्चन ना बार बार मतलब सेम क्वेश्चन को बाकी ने रिपीट किया हुआ है सबको, मतलब 2-4 चीजें हैं जो घुमा फिरा के पूछी हैं। तो मैं बार बार रीड नहीं करूंगी, अगर एक क्वेश्चन हो गया है और दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है तो यार मैं बार बार उसको रीड नहीं कर सकती, बिकॉज आप देख रहे हो स्क्रोलिंग मेरी खत्म नहीं हो रही, इतने सारे क्वेश्चन है, मैं कहाँ तक वीडियो बनाऊंगी। मेरे फोन में भी इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो, देख रहा हूँ ये अभी तक चल रहा है अभी। ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1, और जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे हम उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है नेहा झा की तरफ से, आपकी एज और एजुकेशन क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लव वॉचिंग योर वीडियोस, थैंक यू सो मच डियर। और तो एजुकेशन देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आई थिंक पहले शायद नहीं बताया, हाँ मैंने 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने बीकॉम किया है। कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं हूँ, और जैसे मैंने विद मैथ्स ली थी यहीं पे आपको बता देती हूँ। बीकॉम करने के बाद मैंने मास्टर्स डिग्री भी ली थी, यानी कि एमकॉम मैं कर चुकी हूँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेरी स्टडीज ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। बाकी एज के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो यार देखो एज का ऐसा होता है कि किसी लड़की से वैसे तो उसकी एज पूछते नहीं है, एंड पूछते भी है तो लड़कियां बताती नहीं है, एंड आई एम वन ऑफ देम, मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी। उसके बाद दी, मुझे आपकी एज नहीं जाननी बाकी लोगों की तरह, क्योंकि आप मुझे वैसे ही इतने यंग लगते हो। थैंक यू। बस आप बताना आपकी भाभी से आपकी ट्यूनिंग कैसी है, दोनों ननद भाभी में बनती है या लड़ाई भी होती है बाकियों की तरह। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा दिल खुश हो गया वीडियो स्टार्ट करते, इतना प्यारा क्वेश्चन यार। ठीक हो, इन्होंने पहले ही बोल दिया इनको मेरी एज नहीं जाननी, ठीक है, इट्स। उसके बाद इन्होंने पूछा है आप इतने यंग लगते हो, बस आप बताना आपकी भाभी के साथ ट्यूनिंग कैसी। मेरी भाभी के साथ मेरी ट्यूनिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे दो सगी बहनें होती है ना, बिल्कुल वैसी। इनफैक्ट लोगों को देख के हैरानी होती है कि 2 साल दिसंबर में मिलेंगे मेरी भाभी को, हमारे घर आए हुए शादी हुए, लेकिन आज तक मेरे और मेरी भाभी के बीच में इतनी सी भी टकरार, मतलब लड़ाई तो दूर की बात, एक होता है ना आर्ग्यूमेंट भी होना, वो तक भी नहीं हुआ है। तो मेरी भाभी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं भाभी के रूम में ही कर रही हूँ, आपको सब कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, ये भाभी का रूम है। मैंने उनसे बस एक बार बोला, उन्होंने बोला ये भी पूछने की बात है, जाओ जाओ के करो वीडियो। आई लव टू वॉच योर वीडियोज डेली एंड माई क्वेश्चन इज हु इज योर इंस्पिरेशन, ये पूछा है ईशा शेख ने। इंस्पिरेशन एज सच मैं बताऊं, इंस्पिरेशन तो यार कोई नहीं है, मेरे को पता है आप यूट्यूब के लिए पूछ लोगे। मैं एक्चुअली ना एक वीडियो नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती थी। तो एक होता है आप जब एक कोई देखते हो तो आप उसको अपना इंस्पिरेशन मान लेते हो, लेकिन मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती थी तो मैं इंस्पिरेशन तो मैंने नहीं माना, बट हाँ मुझे हर एक यूट्यूबर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता था। एक अब्बास अली है, नो डिस्क्राइब योर टैलेंट दी, आई लव योर वीडियोज, थैंक यू। उसके बाद दानिया की दुनिया, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, I had starting my own channel by inspired you and learned so many things from you. Please थोड़ा motivate कर दीजिए, thank you. Dear, first of all congratulations, आपने startup कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो से inspired होके, मतलब लड़कियां बोलती ना कि हमने आपसे inspired होके चैनल ओपन किया है, एंड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, प्लीज थोड़ा motivate। मोटिवेट के लिए यार यही है कि देखो अगर आप बिगनिंग पर हो तो आप थोड़ा बस पेशेंस रखना एंड बस मेहनत करते जाओ, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, किया है ना, आपने भी अभी नया नया स्टार्ट किया है, बस आप थोड़ा अर्निंग की तरफ अभी ध्यान मत देना, मेहनत करते जाओ, कॉन्स्टेंटली अपना कॉन्टेंट डे बाय डे इम्प्रूव करो, डेफिनेटली यू विल ग्रो। क्वेश्चन है मल्टीकल्चरल आईडी करके, नाम तो कुछ मेंशन है नहीं, आपका ड्रीम क्या था, पहले से ही यूट्यूबर बनना चाहते थे या फिर बाद में डिसाइड किया। वैसे मुझे आपके व्हाट आई टीन अ डे वाले वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव इट सो मच, कीप इट, कीप गोइंग अप अप दी, योर यूट्यूब फैमिली इज विद यू, थैंक यू सो मच। और मेरा ड्रीम मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहती थी, बट मैं किसी वजह से जा नहीं पाई थी, क्योंकि दैट टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था, मेरी फैमिली उस कोर्स को उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो कोर्स है ही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, और आज तो वो और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उसका रेट हो गया है। तो इंटीरियर डेकोरेटर मुझे बनना था और बन मैं गई यूट्यूबर प्लस मेकअप आर्टिस्ट।
कि हाँ इन्होंने ये भी पूछा यूट्यूबर पहले से बना था, नो नॉट एट ऑल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊंगी और मेरा चैनल ग्रो भी हो जाएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग एंड योर ड्रीम किंग, ये पूछा है FALI फली 5396 करके आईडी है। फ्यूचर प्लानिंग एज सच देखो अभी तो यूट्यूब में ही मुझे बहुत आगे करना है, हालांकि अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब भी मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची हुई हैं, बट पहले मैं अपने आप को इतना स्टेबल कर लूँ फिर मैं वो प्लानिंग आप लोगों के साथ जो है डिस्क्लोज करूँगी जल्दी। एंड योर ड्रीम किंग, माई ड्रीम किंग, आई डोंट नो। उसके बाद सैयद सरफराज ने पूछा है आपकी शादी कब होगी, यार आई वॉन्ट टू सी योर वेडिंग प्ले लिस्ट। ओ माई गॉड, ये तो मुझे भी देखनी है मेरी वेडिंग प्ले लिस्ट, मेरे को भी देखने में कितना मजा आएगा, सोचो जब आपको इतना इंटरेस्ट है तो मुझे कितना होगा। बाकी जब भी होगी देखो व्लॉगिंग का मेरा कॉन्टेंट है, आपको पता लग ही जाना है। हिना खान पूछती है मुझे आपकी मिनी ब्लॉग बहुत पसंद है, रोज आपकी मिनी ब्लॉग देखती हूँ, पता नहीं क्यों पर आपके मिनी ब्लॉग देखने के बाद खुशी मिलती है, जर अल्लाह आपको और ज्यादा कामयाब होने की तौफीक दे। क्वेश्चन, आपने मेकअप कहाँ से सीखा, फ्रॉम बरेली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली, बरेली वालों के लिए क्वेश्चन है इनका। आपने मेकअप कहाँ से सीखा, सी मैंने मेकअप सीखा बाद में जाके, सीखा भी क्या है यार, सिर्फ 7 days की मैंने ऑनलाइन, जैसे अब मैं आप लोगों से ऐसे 1-on-1 बात करूँ ना, मैंने ऐसे 7 days का एक क्लास लिया था, बट वो ऐसे नहीं लिया था कि मुझे बस मेकअप सीखना और मैंने जो है रजिस्टर करवा दिया, नहीं, स्टार्टिंग में मेरी 3 साल की खुद की मेहनत थी, प्रैक्टिस थी, मेरा बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग था, मुझे प्रोफेशनल सीखना था। अगर आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग है तब आप ऑनलाइन क्लास लेके सीख सकते हो, अगर आपको ब्रश भी पकड़ना नहीं आता, कलर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बेस मेकअप के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि आप ऑनलाइन जो मेकअप आजकल चल रहे ना वो क्लासेस लेना। तो मैंने सिर्फ 7 days की 2022 में जाके क्लासेस लिए हैं, चैनल मेरा 2020 से है, तो मेरी 2.5-3 साल की प्रैक्टिस पहले खुद की थी, पहले मैं दूसरों की वीडियोस देख देख के बस मैंने प्रैक्टिस करके सीखा। पूछती हैं अलहानास व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, योर फेवरेट डेस्टिनेशन विच यू वांट टू विजिट, योर फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर गोल्स मेरे बहुत सारे हैं यार, मैं एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ड्रीम की बात करती हूँ, चलो गोल तो एक अलग चीज़ हो जाती है, मैं ड्रीम की बात करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करके कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं कभी किसी को देखूँ ना लाइक, चाहे वो कोई एनिमल हो, जानवर होते हैं जैसे आजकल यू नो खाना दे दिया उनको कुछ, मैं उनके लिए ऐसा कुछ स्टार्टअप करना चाहती हूँ, या फिर मैं कभी किसी को भी देखूँ ना जो कि ज़रूरतमंद है, मैं उसको ज़रूर मदद कर पाऊँ जितना भी मेरे से बन पड़े। तो मैं अपने आप को बस इतना स्टेबल करना चाहती हूँ, ठीक है, इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो। उसके बाद डेस्टिनेशन उन्होंने पूछी है, डेस्टिनेशन मेरा मॉरिशस जाने का बहुत ड्रीम है, मॉरिशस और सिंगापुर, ये 2 places। एक ने पूछा कैन यू ईट 3 plates ऑफ बिरयानी इन 1 sitting। हाँ मैं बिरयानी लवर हूँ लेकिन मैं 3 plate बिरयानी नहीं खा सकती, हाँ मैं 1 plate बिरयानी जरूर खा सकती हूँ। लाइव हैप्पी करके एक आईडी है, व्हाट्स योर यूट्यूब अर्निंग, क्या आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, कितने व्यूज आते थे, किस फोन से आप वीडियो बनाते हो, बाय द वे आई लाइक योर वीडियोज अ लॉट। यूट्यूब अर्निंग बताने का पॉलिसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यूट्यूब पर नहीं बता सकते, बट यहाँ पर एक इमेज लगा देती हूँ क्योंकि सब लोग ऐसे ही बताते हैं आज तक मैंने जिनका भी देखा है। तो ये वाला जो फ़ोन आपको दिख रहा है ना मेरे साइड में इधर इधर, मेरा तो ये लेफ्ट है, आपको ये शायद राइट दिख रहा होगा, तो ये फ़ोन की कीमत आप सर्च कर लेना, इस फ़ोन का मॉडल डाल के अमेज़ॉन पे कहीं भी सर्च कर लेना, तो उतनी मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। अब अर्निंग कभी भी सेम नहीं होती, जैसे मैंने इस मंथ जो कमाया ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट मंथ में उतना ही, क्या पता उससे ज़्यादा हो या उससे कम भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन माई व्यूज़ कि मेरे चैनल का चार्ट कैसा चल रहा है, तो वो कभी भी फिक्स नहीं होती। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेरी फर्स्ट अर्निंग थी जो मुझे जितना पे किया था यूट्यूब, और कितने व्यूज़ आते थे तो यार बहुत कम व्यूज़ आते थे, मतलब 100 भी नहीं हो पाते थे व्यूज़, बहुत कम थे। किस फ़ोन से वीडियो बनाते हो, राइट नाउ मैं आईफोन 12 प्रो से वीडियो बनाती हूँ, और इससे पहले मैं एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियोस बनाती थी। तमन्ना शर्मा ने पूछा है हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर, लव फ्रॉम हिमाचल। फेवरेट यूट्यूबर, डियर मैंने बताया ना आपको मैं कभी भी एक को नहीं देखती थी, मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी, ये मैं तब की बता रही हूँ जब मैंने अपना जर्नी यूट्यूब पर स्टार्ट नहीं किया था, अब तो खैर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं किसी की भी वीडियोज़ देखूँ, बट फेवरेट यूट्यूबर में मैं सच बोलूँगी मेरे को सभी अच्छे लगते थे यार, सभी मेहनत करते थे, खूब सारी वीडियोस मैं उनके देखती थी, व्लॉग्स। अब मैं आपको नंबर लिस्ट बता रही थी मैं किस किस को देखती थी, स्वाति भामरा मैम है मैं उनको देखती थी, शाय स्टाइल है मैं उन्हें देखती थी, और कोमल गुडन स्टाइल टिप्स करके जो है उनको देखती थी, बहुत सारे चैनल हैं, एक स्मिथा दीपक है उनका चैनल में, मतलब बहुत सारे वीडियोस मैं उनके देखा करती थी उस टाइम पे, अब तो सच में मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती है। उसके बाद इनल मार्जी, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस करूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, प्लीज़ टेल मी, आई लव योर वॉइस एंड वीडियोज़ ऑल्सो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम डेली। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, मैं डेली से हूँ यार, कितनी बार वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ, मैंने मेरी ग्रेजुएशन डियर दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। उसके बाद शाहिबा नाज ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फेवरेट यूट्यूबर मैंने बता दिया, फेवरेट फूड मुझे वेज में बिरयानी पसंद है,
और नॉन वेज में मुझे जो प्रॉपर एक वेज थाली होती है ना, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं जो हम मॉल के फूड कोर्ट में जाके ऑर्डर करते हैं ना, अपनी प्रॉपर इंडियन वेज थाली, मुझे वो बहुत पसंद है। और फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट में मुझे लिपस्टिक और आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी भतीजी का नाम इन्होंने पूछा है, उसका नाम है ज़ारा, जो कि मैंने ही उसको दिया था ये नाम, क्योंकि फुप्पो को बुआओं को ही हक होता है ना, तो मैंने ही उसका नाम रखा था। चैनल ओपन करने का आइडिया किसी ने नहीं दिया डियर, किसी ने भी नहीं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा आ नहीं रहा, बट बहुत सारे हैं। सोनू निगम के भी सॉन्ग मैं बहुत सुनती हूँ पुराने टाइम के। प्लीज़ से दिस क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ लव योर वीडियोज़, थैंक यू। उसके बाद कायमा चौहान ने पूछा है, आप अपनी भाभी और उनकी बेबी का फेस क्यों नहीं दिखाते हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लव फ्रॉम बिहार। ये क्वेश्चन मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे पास रिपीटेडली कई बार आता है। देखो यार, भाभी और भतीजी का मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ, अब इसके बाद फिर भी मुझे पता है शॉर्ट्स में लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, हर एक को कैमरे पे आने की आदत नहीं होती है। मेरा सिर्फ वर्क है वीडियो मेकिंग का, तो मेरे लिए कैमरे पे बात करना, जैसे अभी मैं पूरा रूम मेरा बंद है, मैं बात कर रही हूँ, तो अभी कोई आगे इसे आके देखेगा ना, सोचेगा ये पागल है लड़की, किससे बातों में लगी हुई इतनी देर से। बट मेरे लिए ये बहुत कॉमन है, बिकॉज इट्स माई वर्क, ये मेरा रोज़ाना का काम है, तो मेरे लिए मेरे फ़ोन का जो कैमरा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरे लिए आसान है। लेकिन भाभी को नहीं पसंद, मतलब उनको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कैमरे पे आना उनके लिए कंफर्ट जोन नहीं है। और मैं कभी किसी को प्रेशर नहीं करती हूँ, भाई किसी की चॉइस है तो वो आना चाहे तो बेशक आए, नहीं तो मैं कभी किसी को नहीं बोलती फोर्स करके मेरे वीडियोज़ में आओ, तो ये उनकी अपनी प्राइवेसी है, इसलिए मैं उनको कभी नहीं बोलती हूँ, और वो खुद भी नहीं दिखती है मेरे वीडियोज़ में, उनके हाथ वगैरह बेशक दिख जाते हैं कुछ बनाते करते हुए। और भतीजी को इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है, मतलब 3 मंथ्स की आप लगा लो, 4th महीने अभी उसका स्टार्ट हुआ है, 3 मंथ्स की बहुत छोटी सी है, और वो इतना ज़्यादा तंग करती है कि उसको आए दिन वैसी इतनी नज़र वज़र लगती रहती है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ा सोच रही है कि मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा हूर की परी है, तो यार हर बच्ची जो होती है ना, हर लड़की जो छोटी सी होती है हूर की परी होती है, और लड़का जो होते हैं ना हूर के परे ही होते हैं। और छोटे बच्चे को ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखाओगे तो सच में मेरे घर का कोई बच्चा हो या आपके भी घर का हो ना, उसको नज़र लग ही जाती है। तो ऑलवेज ट्राई कि छोटे बच्चे की फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालो, मैं तो आपसे भी ये बोलूँ, क्योंकि बच्चे को नज़र कहीं ना कहीं से लग जाती है, तो बस ये रीज़न है ना दिखाने का। आई एम श्योर अब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्यों नहीं दिखाती। अच्छा, एक ने पूछा आपके SSLC एंड सेकेंड PUC में कितने मार्क्स आए थे? यार मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने कभी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स, मतलब कहते हैं ना बहुत टॉप 90+ वैसे वाले मार्क्स ही मेरे एवरेज मार्क्स आते थे, एवरेज मतलब 60-70% के बीच में, अब इतना आप आइडिया लगा लो। मंत्रशा खान पूछते हैं, आप इतनी प्यारी क्यों? आई लव टू वॉच योर वीडियोज डेली, क्योंकि आप इतने प्यारे हो इसलिए आपको सभी प्यारे लगते हैं। उसके बाद एक ने पूछा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू सो मच डियर। और एक ने तो पूरी शायरी लिख दी है, चांद सा तेरा मासूम चेहरा, तू हया की एक मूरत है, तुझे देख के गुलाब भी शर्मा जाए, तू इतनी खूबसूरत है। आई एम इल्मा नाज फ्रॉम मुंबई। वाह यार कितना प्यारा इन्होंने लिखा है, आई डोंट नो खुद से बनाया है कहीं से भी, अगर कॉपी भी किया है तो भी मेरा दिल खुश हो गया। इल्मा नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय द वे, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? किसी ने पूछा है, 4 सिबलिंग्स हैं हम, मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं, और एक मैं हूँ तीसरे नंबर पर, और एक है इकरा मेरे से छोटी बहन, ठीक है, और वो अपनी स्टडीज़ कर रही है। क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिपीट पर पूछा हुआ है, तो मैं सबके क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है अपना, मास्टर ऑफ कॉमर्स डिग्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एक ने पूछा है, आप भी अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कीजिए ना, कैसे आपके माइंड में यूट्यूब स्टार्ट करने का आया? मैनी मोर आई नो, मतलब ये बहुत कुछ जानना चाहती है, इन्होंने ऐसा कुछ बोला है, आई नो इजी नहीं था आपके लिए, बट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू, अप्पी फ्रॉम नाजिया, लॉट्स ऑफ लव, आई होप कि आप खूब कामयाब हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआओं के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। यूट्यूब जर्नी के लिए मैं सोच रही हूँ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, बिकॉज उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरी शुरू से एक होता है ना, 0 से स्टार्ट किया था, वहाँ से अभी तक, अभी हम 1,20,000 पे पहुँच गए हैं। बाय द वे कांग्रेचुलेशन टू आर रूह फैम कि हम 1,20,000 कंप्लीट कर चुके हैं, 1,00,000 से भी ऊपर जा चुके हैं अब तो हम। तो यूट्यूब जर्नी के लिए मैं सोच रही हूँ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जाननी भी है, तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो YouTube जर्नी की, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है 3-4 साल का, वो मैं उसमें शेयर करूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेफिनेटली ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना। अच्छा, एक रेहान खान आईडी से, माशाल्लाह आपकी आईज बहुत ही प्यारी हैं, वैसे मैंने लाइनर लगाए हुआ है। सना फातिमा पूछती है, आपका सिल्वर प्ले बटन कब आएगा? आपके सिल्वर प्ले बटन का मैं इंतजार कर रही हूँ, सोचो जब आप कर रहे हो तो मेरे को कितना बेसब्री से होगा यार, मुझे भी नहीं पता कब आएगा, मैंने कई लोगों से पूछा है बट सब बोलते हैं इंतजार करो अपने आप आ जाएगा।
दी, आप अपने पापा और भाई को दिखाओ दोनों क्या जॉब करते हैं, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे। ये शिखा चंद्रा ने पूछा। डियर, मेरे पापा और भाई जब आते हैं, जब मैं अपनी सारी वीडियोस फिनिश कर चुकी होती हूँ, सारी वीडियोस पैकअप कर चुकी होती हूँ, उस वक्त मैं शांति से बस अपनी रात की एक कप चाय पी रही होती हूँ, जो आपको मेरे वाटर 89 डे में दिख जाती है, तो मेरे पापा और भाई ना बहुत लेट आते हैं और दोनों भाई अपने अपने ऑफिस में होते हैं, दिन भर सिर्फ मैं, मम्मी और भाभी होते हैं घर में, इकरा भी जॉब पर जाती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा वीडियोस में लोग नहीं दिख पाते हैं, बस यही रीज़न है। क्या आप वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो? रेटर्स किसी ने पूछा है। नो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, साफ है, कौन सा ऐप और माइक यूज़ करती हो ज़रूर बताना। जायका विद रूबी, इन्होंने पूछा है। अच्छा डियर, मैं कोई भी माइक नहीं यूज़ करती हूँ, ये चीज़ मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं कोई भी, अभी भी देखो, अगर माइक होता तो यहाँ मैंने कॉलर में कहीं लगाया हुआ होता। मैं कोई भी माइक नहीं यूज़ करती हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे ही वॉइस ओवर करती हूँ, ऐसे ही मैं बात करती हूँ। जब मैं एंड्रॉयड यूज़ करती थी इससे पहले, तो मैं बोया का एक माइक आता है, मैं वो यूज़ करती थी, उसकी वॉइस की जो क्लैरिटी है बहुत अच्छी है, मेरे पास शायद अभी भी पड़ा होगा। लेकिन जब से मैंने आईफोन लिया है ना, तो मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तो इसमें माइक कनेक्ट ही नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरा वाला एक सिस्टम आता है माइक का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मैंने बिना माइक की जब ट्राई किया ना, तो इसमें ऑलरेडी वॉइस की जो कैप्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मेरी वॉइस बहुत लाउड आती है। बाकी मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, और अभी भी जो मैं बोल रही हूँ, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, तो आप भी मेक श्योर जब वॉइस ओवर करो तो ऐसी जगह पर जाओ जहाँ शोर शराबा ना हो, कमरा बंद कर लो, चाहे पसीना पसीना आ रहा हो मेरी तरह, लेकिन वॉइस ओवर के टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल लाउड वॉल्यूम में करो, तो डेफिनेटली आपकी वॉइस बिना माइक के भी अच्छी आ जाएगी। सिल्वर प्ले बटन कब आएगा? डोंट नो। नबीहा आजमी ने पूछा है। शाजिया खातून, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, थैंक यू डियर। उसके बाद अंशिका चौधरी ने पूछा है, प्लीज़ अपनी फुल फैमिली को दिखाओ ना एक बार, स्पेशली आपकी भतीजी को, प्लीज़ एक बार आप सबको अपने ब्लॉग में दिखाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट। मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली मैं आगे जाके कभी ट्राई करूंगी, बट राइट ना हो तो अभी पॉसिबल नहीं, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्यों। अच्छा, ये एक है मंतशा अली, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बाकियों के मैं आंसर दे चुकी हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी, पापा, इकरा मेरी छोटी बहन, दो मेरे भाई और एक मेरी भाभी और एक मेरी भतीजी। ठीक है, आपकी शादी कब होगी? ये तो मुझे भी नहीं पता, जब होगी आपको पता लग जाएगा। आपका कोई बॉयफ्रेंड या फियांसी है? जिससे शादी होगी उसी को बॉयफ्रेंड भी और फियांसी भी बना लेंगे। क्लियर जवाब। हाउ डू यू मीट सबादी? सबादी कौन? ओ ऑल राइट, वो सबा रैंडम मिले थे, ऐसा कुछ, ऐसे कोई खास स्टोरी नहीं है। एंड मैं सच बताऊँ, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो, जस्ट शी इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो सबा के साथ बहुत रैंडम मेरी मुलाकात थी, तब से बस आना जाना, मेरे घर के पास भी रहती है। एस आर किंग करके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई होप ऑल इज़ वेल। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपके मिनी ब्लॉग्स मैं रोज़ देखती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका गोल यूट्यूबर ही था या फिर कुछ और, या और आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। मेरा गोल यूट्यूबर बनना बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मेरा गोल यूट्यूबर बनना, और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। फेवरेट यूट्यूबर, फेवरेट कोई नहीं है, मैं सबको इक्वल मानती हूँ, मतलब मैं ऐसे कंपेयर तो करती नहीं, बिकॉज मैं कौन होती यार किसी को कंपेयर करने वाली, क्योंकि यूट्यूब पर अगर कोई ग्रो करके आगे बढ़ाए ना, यकीन मानो बहुत हार्डवर्क लगता है उसके पीछे, बहुत हार्डवर्क, बहुत दिन रात, रातों की नींद का नहीं पता, दिन में लोग आराम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कमरा बंद करके फ़ैन ऑफ करके बस लगे पड़े हैं। हालांकि घर वालों को भी एक टाइम पे हम बेवकूफ़ लगने लगते हैं, बट ठीक है, कहते हैं ना कि काम में ऐसे जुट जाओ कि उस काम में जब तक पागलपना ना होना तो उसका क्या ही मज़ा। तो बस ऐसा ही कुछ है। तनु गौर, यू आर सो ब्यूटीफुल थी, थैंक यू डियर। नजीफा बागवान, आपकी कितने सिबलिंग्स हैं? आपके घर में कौन कौन है? मुझे आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद महक अंसारी बोलती है, आप बहुत क्यूट हो माशाल्लाह, एंड माय क्वेश्चन इज हाउ आर यू सो मच ब्यूटीफुल बिकॉज आप इतनी खूबसूरत हो। क्या होता है ना, जब हमारा जो नज़रिया होता है ना, हम जैसे खुद होते हैं ना, हमारे जजमेंट भी दूसरों को लेके वैसे ही होते हैं। अगर हम पाक साफ दिल है, हमारा इंटेंशन साफ है, हम कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते अपने वर्ड से, तो हमें सामने वाला भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर हमारी नीयत में ही खोट होगा ना, तो सामने वाला चाहे भला की खूबसूरत भी हो ना, हम उसमें भी कमी निकाल देंगे, क्या है ये, कैसी लग रही है, बुढ़ी लग रही है, इसकी तो आँखें ऐसी हैं, इसकी तो नाक छोटी है, इसकी तो हाइट ऐसी है। तो जस्ट ये है कि आप अगर अच्छे हो ना, तो आपको सामने वाला भी अच्छा लगेगा। उन्होंने आगे और भी बोला है, महक अंसारी ने, कि आपकी वीडियोज़ का बहुत वेट करती हूँ, जब वो नहीं आती है, लव यू अप्पी, लव यू टू स्वीट हार्ट। उसके बाद फहीम मलिक, आप बहुत क्यूट हो, आपकी बहुत बड़ी वाली फैंसी अप्पी जी, फैंसी अप्पी जी, अच्छा बोला है इन्होंने, जो भी बोला है। नमीरा कुरेशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप जब मेकअप करते हो कौन सा प्राइमर यूज करते हो प्लीज टेल मी। डियर मैं बहुत सारे प्राइमर है बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, एक स्विस ब्यूटी का लिक्विड ड्यूई वाला इल्यूमिनेटर प्राइमर आता है, क्या मस्त प्राइमर है यार, मैं उसकी जबरा वाली फैन हूँ, बहुत पसंद है। और एक अगर आप सिलिकॉन वाले प्राइमर पे अगर ये आप यूज़ करना चाहते हो जैसे ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप कलर बार का प्राइमर ले सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद हमजा राइन ने भी सेम क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ पर रहते हो, कितने भाई बहन हो, लव वॉचिंग योर वीडियोज़। उसके बाद मल्टीवेज कैमरा और फोन शूट योर वीडियोज़। मैं आईफोन 12 प्रो से वीडियो शूट करती हूँ, मैंने अभी बताया। फेवरेट डिश बिरयानी है और वेज में प्रॉपर एक वेज थाली होती, मैंने ये भी बताया आपको। एक उरूस खातून है, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन लेंगे जो जो मैंने आंसर नहीं किए हैं, बाकी के मैं आंसर दे चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई डोंट नो दी कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे या नहीं, पर फिर भी मैं आपकी फैन होने के नाते पूछना चाहूंगी, अर्ज फरमाइए। क्या आपका कोई क्रश है? क्रश मेरा सलमान खान पे बहुत क्रश था, अभी भी है। और उसके बाद कार्तिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चॉकलेटी बॉय काइंड ऑफ है। और एक रणदीप हुदा, उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी वाली, उनकी एक्टिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड या उन पर मेरा क्रश भी है। आपने जब YouTube स्टार्ट किया तो क्या सोचा था कि आपके घर वाले एग्री हुए थे? ये चीज़ मैं आपको अपनी जर्नी में बताऊँगी, जो YouTube जर्नी वाला वीडियो आएगा ना, होम टूर कब शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी डियर, उसके ऊपर भी मैं काम। आपकी शादी के बारे में कुछ सोचा आपके घर वालों ने? जी हाँ, हर लड़की की शादी के बारे में उसके घर वाले ही सोचते हैं, कोई बाहर वाला नहीं सोचता, बिल्कुल सोचते हैं मेरे घर वाले। आप क्या मेरा नेम ले सकते हो? समरीन खान फ्रॉम हैदराबाद। लो जी, ले लिया आपका नेम, प्लीज़। तो बस यही है मेरे क्वेश्चन, प्लीज़ आप ये सबके जवाब तो दे दोगी। हाँ जी, मैंने देखो आपका नाम भी ले लिया, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए। उसके बाद अफसर खान बोलते हैं, क्या आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करोगी? अप्पी लव फ्रॉम उज्जैन। अच्छा, ये शायद बोलना चाह रही है क्या आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ? नहीं दिया, मैंने कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं किया। उसके बाद एक ने पूछा, आपकी शादी कब हो रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता, जब होएगी तो आपको पता लग जाएगा। आप दिल्ली में कहाँ पर रहते हो? मैं दिल्ली में ईस्ट दिल्ली साइड रहती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती। आर यू एंगेज और सिंगल? जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ। आपकी फ्रॉक बिल्कुल मेरी जैसी है, सब में सेम कलर और सेम डिज़ाइन है। अच्छा, वो मैंने कम्युनिटी पे जो पोस्ट डाला है। ऑल राइट। रेहान खान, आपके वीडियो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लॉट्स ऑफ लव। सिल्वर प्ले बटन के बारे में पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है, वही मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन रिपीट है तो वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी। फेवरेट मूवी पूछी है आफरीन शेख ने, मेरी फेवरेट मूवी है प्यार का पंचनामा, ठीक है, उसके दोनों पार्ट्स मुझे बहुत पसंद, वो बोर होते हैं ना मैं वही मूवी देखती हूँ। एक मूवी है टेबल नंबर 21, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेबल नंबर 21 और प्यार का पंचनामा, ये दो मूवीज़। फेवरेट एक्टर मैंने आपको बता दिया, सलमान खान, कार्तिक और उसके बाद रणदीप हुदा। आप स्टडी में क्या कर रही थी? डियर मेरी सारी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम देखो, अभी यूट्यूब पर बहुत आगे बढ़ना है, ड्रीम एक तो ये है मेन, और अभी तो यही है। उसके अलावा कुछ अगर मैं कुछ स्टार्टअप कभी भी करूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताकर ही करूँगी। अच्छा, यास्मिन बागवान पूछते हैं, माई नेम इज़ आरजू, माई क्वेश्चन इज़ आपका नाम क्या है? दी मेरा नाम रूही है, रूही खान। और आपने अपनी फैमिली में से किसी को दिखाते क्यों नहीं? ये मैंने आपको बता दिया। बाय द वे, लव योर शॉर्ट्स, स्पेशली व्हाट आई ईट इन अ डे, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग ये बोलते हैं ना अपनी फैमिली में किसी को क्यों नहीं दिखाते, यार कितनी बार तो दिखाया है, इकरा आपको कितनी वीडियोस में, उसके साथ तो मैंने एक मेकअप लुक तक शूट करवाया था और वो वीडियो काफ़ी पसंद आया लोगों को, 1 लाख प्लस उस पर व्यूज़ थे। इकरा कितनी वीडियोज़ में दिखते रहती है, और मम्मी कितनी बार वीडियोज़ में दिखी है मेरे ब्लॉग्स वगैरह में, मम्मी कई बार दिखी है, इकरा मम्मी दिखी है, और मेरी कज़न वगैरह भी आती हैं वो दिख जाती हैं, बचा कौन, घर के जेंट्स, उनको इतना इंटरेस्ट होता नहीं, आपको भी पता है वीडियोस वगैरह में, कैमरा वगैरह का। और मेरी भाभी का मैंने आपको बता दिया, वो कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरा पर आने के लिए। अच्छा, फरहान आज ने पूछा है, आप लव मैरिज करोगे या अरेंज, और कब मेक वीडियो ऑन हेयर केयर ऑल्सो, आई लव योर हेयर्स, आपकी वीडियोस देखना मेरा रूटीन में शामिल हो गया, आई लाइक टू वॉच योर वीडियोस। शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैरिज देखो जब होएगी आपको तभी पता लग जाएगा, लव मैरिज या अरेंज, अरेंज ही होएगी और कब होगी ये मुझे पता नहीं। हेयर केयर के ऊपर डेफिनेटली मैं एक बहुत अच्छी 2-3 वीडियोस मैंने सोची, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद आफरीन तबस्सुम पूछते हैं, आप कैसी हो? हाय रूही, हेलो। मेरा बस एक ही सवाल है, आप जब YouTube स्टार्ट किया था तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपके 100 के हो जाएंगे? बस अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अपने एफर्ट्स किया, आपने एफर्ट्स किया, आई नो। मैं भी यूट्यूब स्टार्ट करने वाली हूँ, कोई अच्छी सजेशन दें जिसमें मुझे कामयाबी मिले। हाँ जी डियर, सोचा तो नहीं था, क्योंकि जैसे मेरे चैनल के हालात थे, मतलब मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ के लिए, सोचा नहीं था। ऑफकोर्स हर कोई यूट्यूब जब स्टार्ट करता है ना तो उसका सपना होता है कि वो यूट्यूब पर ग्रो करे, ठीक है, एक टाइम पे जाके वो अर्न भी करे। अब बिगिनिंग से वो थॉट लेकर मत चलना, पहली मैं सजेशन आपको ये दूंगी, क्योंकि अगर आप अर्निंग को प्रायोरिटी पे रखोगे तो कहीं ना कहीं आप लूज़ पड़ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है।
हर दूसरा बंदा आज के डेट में यूट्यूब पर है, बट सक्सेसफुल कितने हो रहे हैं वो देखा जाता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल हर दूसरे बंदे का आपको देखने को मिल जाएगा, कोई कुछ अपलोड कर रहा है, कोई कुछ अपलोड। कंटेंट ऐसा बनाओ कि जो बहुत अमेजिंग हो, जिसको लोग ना चाहते हुए भी स्क्रॉल ना कर पाए, देख के ही जाएं। दूसरा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, रेगुलर अपनी वीडियोस रखो, दिन की अगर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हो तो दो से तीन शॉर्ट्स तो पर डे की अपलोड करो। एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपकी एजुकेशन क्या है, ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर YouTube चैनल नहीं तो आपके आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आपकी YouTube जर्नी कैसे स्टार्ट की। YouTube जर्नी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बाकी बीच के जो दो क्वेश्चन है, अगर YouTube चैनल नहीं तो आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। सी, YouTube पर जब मैंने ग्रो नहीं किया था, मेरा YouTube चैनल चला ही पिछले 4 महीनों से, अर्निंग थी जीरो अर्निंग थी, मैं कुछ भी नहीं अर्न करती थी। सिर्फ एक या दो बार मैंने आज, मतलब 3 सालों में यूट्यूब से पैसा अर्न किया था, सिर्फ 2 बार मेरी अर्निंग आई थी, ठीक है, जो पेमेंट मुझे मिली थी। लेकिन उसके बाद भी देखो, मैं कंटेंट बनाती थी, सामान खरीदती थी, ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि यूट्यूब के अलावा, इन्होंने पूछा अगर यूट्यूब नहीं तो क्या, यूट्यूब के अलावा भाई आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और मेरे को बुकिंग्स वगैरह माशाल्लाह बहुत मिलती है, बहुत इधर उधर से ऑफर आते हैं, वो तो मैं यूट्यूब में इतना बिजी रहती हूँ कि मैं उस फोकस नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं ऑफलाइन अपना बिजनेस सेटअप करूँगी वहाँ बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बट राइट नाउ अभी मेरा फोकस पूरा यूट्यूब पर है कि मुझे इसको बहुत आगे लेकर जाना है। तो यूट्यूब के अलावा भी मैं ऑलरेडी अर्न पहले भी करती थी और आगे भी, अगर यूट्यूब नहीं रहता है तो मेरे पास सोर्सेज हैं। आपकी फिटनेस का राज बता दो, सब कुछ खाकर भी फिट कैसे हो। ऐसा नहीं है डियर, मोटे होना पतला होना सबकी ना डाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं भी मोटी हो जाती हूँ, कभी कभी गेन हो जाता है फैट, और मेरे तो वीडियोस में कितने लोग बोलते हैं खा खा के मोटी हो गई है, भैंस हो गई है, कितना खाती है, देखो मुझे भी बोलते हैं लोग, बट कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ना, बोलने दो, लेट देम बाक। हेयर इतने शाइनी कैसे, रीना गुप्ता ने पूछा है। डियर शाइनी तो पता नहीं, मेरे बताऊँ, मेरे और इकरा के बालों की सेम क्वालिटी है, बाय बर्थ हमारे हेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा सिल्की है, और सिल्की बाल आपको पता है शाइनी बाय बर्थ ही होता है, तो मैं ऐसा कुछ अलग नहीं लगाती। हाँ, बस एक सिरम है जिसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती, चाहे मैं कंडीशनर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लेकिन मैं सिरम ज़रूर लगाती। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, बिना मेकअप के कैसे स्मार्ट दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें, मैंने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ बताए थे कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। बाय द वे, इस वीडियो के नीचे भी कुछ प्रोडक्ट्स की मैं लिंक अटैच कर दूंगी। लिली गेमिंग ने पूछा, दी आर सो क्यूट, माय क्वेश्चन इज, आपने क्या सोचकर यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, एंड योर एज, माय नेम इज एनी। तो डियर एनी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ऐसा, बस मैं दूसरों की वीडियोस देखती थी और मेरा मन करता था यार जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। हालांकि उसे मेकअप का उस टाइम मुझे एम भी नहीं पता था, लेकिन बस मेरी आपको भी पुरानी वीडियोज देखना 2020 की जाके मैं कैसे वीडियोज बनाती थी, और बस कुछ नहीं, दूसरों को देखती थी तो मैं उनसे मोटिवेट होती थी कि भाई जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं, बस बनाती रहती थी मैं उस टाइम वीडियोज। एक ने पूछा, आई लव योर वीडियोज, आप लव यू सो मच, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते। ये क्वेश्चन ना मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी जब मैंने सुना था, मैंने उनको रिप्लाई बैक भी किया था कि पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो। क्या होता है ना, कैमरा पे सारी चीजें मैं दिखा नहीं पाती, तो इन्होंने पूछा कैसे मैनेज कर लेते। तो डियर बहुत टफ है, बहुत ज्यादा मेरे लिए मैनेज करना, लेकिन बस मैं कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे यही होता है कि अगर आपने जिस दिन भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया ना, तो आपने जो भी अर्न किया है वो आप 2 मिनट में गवा दोगे, बस इसलिए मैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखती हूँ। चाहे हेटर्स आए, कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देती हूँ, मेरी जो ऑनेस्ट ऑडियंस है उसको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे को बाकी किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। एक ने पूछा है, रुकैया सैयद ने, अस्सलाम वालेकुम अपी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी वीडियोज रोज देखती हूँ, आप बहुत अच्छी हो, आपकी फेवरेट इस्लामिक प्लेस कौन सी है। थैंक यू सो मच डियर, आप वीडियोज देखते हो, फेवरेट इस्लामिक प्लेस, एवरी मुस्लिम की फेवरेट इस्लामिक प्लेस कौन सी हो सकती है, ऑफ कोर्स मक्का ही हो सकती है ना, तो मेरी भी वही है। यूट्यूब जर्नी को लेके या फिर मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, परमिशन दी, ये वो सो जितने भी क्वेश्चन है ये मैं अपने यूट्यूब जर्नी में कवर करूंगी, सो प्लीज मैं उन क्वेश्चंस को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। ये वीडियो ऑलरेडी आप देख रहे हो कितना लंबा हो रहा है। एक ने पूछा है, फरजाना खान ने, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप अपने फ्यूचर में आपकी क्या ड्रीम है आपके लाइफ पार्टनर को लेके। डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मेरे को लाइफ पार्टनर मांगता है कुछ you know, जिसके पास बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, और एक अच्छा सा घर के बाहर गार्डन हो जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बड़े मज़े से बैठ के शूट कर सकूँ, और कम से कम 2-3 गाड़ी तो हो, BMW वगैरह है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत सिंपल डिसेंट से लड़के पसंद है, और खास तौर पे वो तो बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं ना,
महंगी चीजें लग्जरी चीजें पहन के, एक होता है खुद का शौक पूरा करना, लेकिन एक होता है कि सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वो सब कर रहे हो। मुझे वैसे टाइप के बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे बहुत सिंपल से देसी स्टाइल वाले जो लड़के होते हैं वही सही लगते हैं मुझे, जिनके अंदर कोई शो ऑफ चीजें नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है अनुराग अग्रवाल की साइड से, दी यू लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू सो मच डियर। सो दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके यहाँ रमजान के दिनों में एक पराठा जरूर बनता था तो दीदी इसका क्या रीजन था? और दीदी मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपका घर कहाँ पर है, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ जी आंसर माय क्वेश्चन। एंड दी माय नेम इज़ वांशी, आई लव योर ब्लॉग्स एंड वीडियोस। अच्छा इन्होंने पूछा है एक जो पराठा बनता था, तो मैं बता दूँ वो पराठा जो है स्पेशली मेरे पापा के लिए बनता था, क्योंकि मेरे पापा हमेशा प्लेन पराठा खाना प्रेफर करते हैं, उनको प्लेन पराठा पसंद है। एंड मेरे से मिलना है तो उसके लिए मैं कभी मीट एंड ग्रीट रखूंगी ना, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी दिल्ली में जब भी रखेंगे। किरण मुस्कान ने पूछा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है, आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी वीडियोस से मेरा दिन शुरू होता है, आप बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। आपके घर पे कौन कौन रहता है? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आंटी का पालक मसूर की रेसिपी कब दीजिएगा और आंटी को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। माई गॉड यार, पालक मसूर तो बहुत दिनों पहले बना था, और पता है मैं, आप लोग बताओ यार, इतना अप्रिशिएट करते हो। और मेरे घर में मेरे भाई ना इतने ज़्यादा नखरेबाज हैं कि वो जब बनता है तो बोलते हैं अम्मी ये क्या बना लिया, कुछ और बना लेते, तो बेचारी अम्मी ना बनाती ही नहीं है। अम्मी को ना असल में पालक पत्ता सब्जी जो होती है ना ग्रीन वाली बहुत अच्छी लगती है दाल वाल में मिक्स करके, लेकिन मेरे भाइयों को वो पसंद नहीं, तो मम्मी बेचारी एक बार बनाती है उसके बाद महीनों का गैप ले लेती हैं। बाकी जब भी बनाएंगे इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आप लोग। हुमान सारी पूछती, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आप कहाँ रहते हो, हमें आपसे सिर्फ एक बार मिलना है, माई फेवरेट यूट्यूबर हो आप, खूब कामयाबी हासिल करो, अल्लाह आपको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच डियर, मैं भी मिलना चाहती हूँ सच में आप सभी से, जो जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दे, इतना मन करता है ना मैं सामने से देखूँ। इंशाल्लाह मैं कभी अपना मीट एंड ग्रीट जब भी रखूंगी ना दिल्ली में, तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, तब जरूर हम लोग सब मिलेंगे। मिट्टू करके इनकी आइडिया, आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज मेरा नाम जरूर लेना आप, पर अपना नाम बताओ, तो आपने नाम ही नहीं बताया, लव वॉचिंग योर वीडियोज, ठीक है बट अपना नाम तो बताती, मिट्टू बेटी करके इनकी आईडी है। आई नो यूट्यूब पॉलिसी यूट्यूब रिवील नहीं कर सकते इनकम, बट आप कोई हिंट दे दीजिए, मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है डियर। इकरा आपकी रियल सिस्टर है? हाँ जी मेरी रियल सिस्टर है, छोटी बहन है मेरी। तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, आप स्ट्रेस लेती थी, फिर आपको डिप्रेशन होता था? हाँ मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, बहुत परेशान रहती थी। फरीहा ने पूछा ये क्वेश्चन, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरा लगता था मुझे कि यार दूसरे लोग कंटेंट बनाते हैं उनका इतना चलता है पर मेरा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम भी हो गया था। स्टार्टिंग में मैंने कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया, मैं मज़े से 2 से 3 साल तो मैंने मज़े से कराया काम, मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, अपना भी वक्त आएगा, अपना भी वक्त आएगा। लेकिन 3 साल हो गए उसके बाद भी 2023 में जाके भी नहीं चल रहा था ना चैनल, तो मैं स्ट्रेस इस साल से मैंने लेना शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। खान बोलती है मेरा नेम आयशा है, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करती हूँ, आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सो मच डियर। उसके बाद आपके पापा कहाँ होते हैं? वीडियो में नहीं दिखते, मैंने आपको बता दिया। आप वेजिटेरियन हो डियर? नहीं मैं बोथ, मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं नॉन वेज बहुत कम चीज़ें खाना प्रेफर करती हूँ, मैं वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ, आपको मेरे व्लॉग्स में भी दिखता होगा। डी यू लाइक कैट्स? प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन डियर, आई लव कैट्स, आई लाइक कैट्स बट आई लव कैट्स, मुझे कैट्स पसंद है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा बस चले मैं पूरे जहान की बिल्लियाँ अपने घर में रख लूँ लाके। साहिल हुसैन ने मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, मेरा फेवरेट कलर है, वैसे रेड भी वाइट भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक की तरफ मैं आके रुक जाती हूँ, कमजोर पड़ जाती, थोड़ी पिघल जाती हूँ मैं वहाँ पे। ये मुझे जानना है शुगर पॉप या स्विस ब्यूटी में कौन सा कंसीलर बेस्ट है? स्विस ब्यूटी, मुझे दुआ देकर जाओगे एक बार यूज़ करोगे तो। आपकी शादी हो गई? आपकी कब शादी होगी? ओके क्या पढ़ रहे हो? आई डोंट नो, आर यू मैरिड? दी नो। ना मेकअप के बारे में टैलेंट कैसे है डियर? बस प्रैक्टिस कर करके ये टैलेंट, क्या आपको, अब जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हो ना आपको नॉलेज हर दिन मिलती है। अतिया जेरा ने पूछा आपका वेट, मेरा वेट आई थिंक 48 kg के अराउंड है। हाउ डिड यू गेट टू आइडिया टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? वही मैंने बाकियों को देखा और बस मेरा मन करता था, मुझे इंटरेस्ट तो था ही, कुकिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट था, मैं सोचती थी बस मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। एंड इट इज़ फॉर शॉर्ट्स क्रिएटर्स, येस आप अगर चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट्स पर वीडियो डालो और कुछ अच्छा क्रिएटिव कॉन्टेंट डालो जो बाकी लोग नहीं डाल रहे, बाकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और बस पॉजिटिवली अपना काम करते, वन डे आप जरूर सक्सेस होंगे। दिनी गुप्ता बोलते हैं आई एम बिग फैन, अभी पिछले एक हफ्ते से देखना आपको स्टार्ट किया, आपके वीडियो के बिना मेरा पूरा दिन ही नहीं गुजरता, मिसिंग लगता है एकदम। और आपने क्वेश्चन, और माई क्वेश्चन इज़ आप क्या कर रहे हो, मतलब जॉब या सिर्फ यूट्यूब?
डियर मैं सिर्फ फिलहाल तो यूट्यूब कर रही हूँ, बट यूट्यूब के अलावा मेरा कुछ ऑनलाइन वर्क भी है, मैं वो भी करती हूँ साथ साथ। बट हाँ, प्रॉपर एक ऑफिस में जाके जो जॉब होती है मैं वो नहीं करती। खाना बनाना किसने सिखाया? फरहान सलीम पूछती है। खाना बनाना मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा नाम लो अपनी वीडियोज में, माय नेम इज फरहीन है। खाना बनाना मैं सच बताऊँ मुझे पहले से ही बहुत शौक था। यूट्यूब से पहले मैगजीन्स वगैरह आती थी, उसमें एक रेसिपी की एक अलग से पेज आता था, महकता आंचल करके, आपको पता होगा, मेरी बुआ पढ़ा करती थी, फुफिया मेरी, मैं उस टाइम पे उस मैगजीन में से देख के रेसिपी बनाती थी। जब मेरे को और ज्यादा ऑप्शन मिल गया, अम्मी को देखती थी, अम्मी से सीखती थी, तो बस देख देख के कुकिंग का शौक पैदा कर लिया। बाकी शौक खुद भी था, लेकिन मेरे को ना सीखने का हमेशा रहता है कुकिंग में, मैं ये सीखूं, इस पर ट्राई करूं, एक्सपेरिमेंट करूं, तो बस ऐसे। नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से या यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने खुद 3-4 महीने पहले ये फोन लिया है आईफोन। इससे पहले मैं वीवो से शूट करती थी, और उससे पहले मेरा ये सैमसंग का फोन था, इससे मैंने चैनल स्टार्ट किया था। पहले की वीडियोज मेरी इस फोन की है, तो आप एंड्रॉइड से भी वीडियोस बना सकते हो। आई एम बिग फैन, माय नेम कुरतुल एंड अक्सा, प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने आपका नाम भी ले लिया, कुरतुल एंड अक्सा, बहुत ही खूबसूरत नेम है आपका। मैं आपकी सक्सेस को देखकर बहुत हैप्पी हूँ, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरे चैनल पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को कैसे मेहनत करूँ, हेल्प मी, सिर्फ 3 बच्चे हैं। डियर मैंने आपको बताया, चैनल देखो बहुत किस्मत की भी बात होती है, कई बार बहुत लोग अच्छा मेहनत भी करते हैं लेकिन किस्मत ऐसी है, क्योंकि आज है किस्मत अच्छी नहीं है, कल को अच्छी भी हो सकती है, तो बस आप मेहनत ही करते रहो। क्योंकि मैं इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि YouTube का ना एल्गोरिदम ही ऐसा है कि पता नहीं कब आपको जाके कोई एक चैनल वीडियो चलेगा, बस इसलिए तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत है यूट्यूब में, बहुत ज़्यादा। एक वीडियो को वायरल कराने के पीछे लोग सालों मेहनत करते हैं। पाकिस्तान आए हो? नहीं डियर, मैं नहीं आई हूँ। बाय द वे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और इनका नेम है हीरा। मैं जब भी आऊँगी तो मैं आपको बता कर आऊँगी। बार रशीद भी बोलती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिग फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से, अच्छा पाकिस्तान से मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। प्लीज़ 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 मेरा कमेंट का रिप्लाई कीजिएगा। माय क्वेश्चन इज़ आपकी यूट्यूब इनकम क्या है? मैंने आपको बता दिया, फेवरेट कलर भी बता दिया, एंड या बिग फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। एंजल सना मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, वैसे सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनके कमेंट्स मुझे एक एक वीडियो में कई कई कमेंट्स आते हैं ना, तो वो नाम एकदम दिमाग में रह जाता है। काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रही हूँ मैं आपकी, कमेंट्स भी करती हूँ, रिप्लाई भी करते हैं आप। एक चीज़ बता दीजिए, 1 मिलियन हो जाएंगे तो क्या आप भूल तो नहीं जाएंगे, मैसेज करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसा करते हैं, याद नहीं रहता उनको, मतलब ये ऐसा ही कुछ पूछना चाह रही है। डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मेरे 1 मिलियन क्या 10 मिलियन भी हो जाएंगे कभी, पता नहीं, मुझे मजाक कर रही हूँ। खैर 1 मिलियन भी अगर हो जाएंगे तो मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं भूलती हूँ, मुझे सब याद रहते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एंजल सना मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, वैसे सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनके कमेंट्स मुझे एक एक वीडियो में कई कई कमेंट्स आते हैं ना, तो वो नाम एकदम दिमाग में रह जाता है। काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रही हूँ मैं आपकी, कमेंट्स भी करती हूँ, रिप्लाई भी करते हैं आप। एक चीज़ बता दीजिए, 1 मिलियन हो जाएंगे तो क्या आप भूल तो नहीं जाएंगे, मैसेज करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसा करते हैं, याद नहीं रहता उनको, मतलब ये ऐसा ही कुछ पूछना चाह रही है। डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मेरे 1 मिलियन क्या 10 मिलियन भी हो जाएंगे कभी, पता नहीं, मुझे मजाक कर रही हूँ। खैर 1 मिलियन भी अगर हो जाएंगे तो मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं भूलती हूँ, मुझे सब याद रहते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ने पूछा मैं आपको याद हूँ? जी बिल्कुल मुझे आप याद हो, आपका नाम पढ़ते ही मुझे याद आ गया, एंजल सना। इन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में मुझसे ये भी पूछा है कि ये मिलना चाहती हैं, तो मिलने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक मीट एंड ग्रीट कभी भी रखूँगी, जैसे ही मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आप लोगों को इनवाइट ज़रूर करूँगी, तब हम लोग सब एक गैदरिंग करेंगे और मिलेंगे। इन्होंने पूछा आप एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो बनाते थे तो आपने आईफोन कैसे लिया? ये फरीहा का क्वेश्चन है। तो यूट्यूब मतलब आपने अपने अर्निंग से लिया है या फिर फैमिली से? नो, फैमिली का एक पैसा मेरे यूट्यूब में आज तक कुछ भी मैंने नहीं लिया। जितना भी मैं सामान दिखाती हूँ, खरीदती हूँ, जो भी मेरी पूरा मेरा सेटअप है, यूट्यूब का रिंग लाइट है, फ़ोन है, आईफोन है, ये सब मैंने खुद की अर्निंग से लिया है, मैंने फैमिली से कभी 1 रुपये की भी हेल्प नहीं ली, और इसी बेस से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैं यही सोचती थी कि मैं कभी किसी से हेल्प नहीं लूँगी, अपने दम पे करूँगी जो करना है। मैंने कभी फैमिली से कुछ नहीं लिया, आईफोन लिया तो भी मैंने खुद के जोड़े हुए पैसों से लिया। फुल नेम कई लोगों ने पूछा है, फुल नेम मैंने बता दिया, माय नेम इज़ रूही खान। रिंग लाइट के ऊपर बोल रही है सना फातिमा, एक वीडियो बनाओ बहुत जल्दी, आपको अभी कमिंग वीक में इसके ऊपर ही एक वीडियो मिलने वाला है। तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैंने सोचा ही था एक ऐसा कंटेंट बनाने का, प्रॉपर बताऊंगी कैसे वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, बड़ा वीडियो भी बनाऊंगी, शॉर्ट भी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें। तो यार देखो, मैं जो क्वेश्चन देख रही हूँ ना, ऑलमोस्ट सबके रिपीट क्वेश्चन है, मैं इसलिए अगर किसी का रह जाएगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सबके मैं पढ़ूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रिपीट क्वेश्चन को रीड नहीं कर रही हूँ। गौसिया शाइन पूछती है, मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ दी, वीडियोज भी आपकी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई वॉन्ट टू नो की कोई क्रश है आपका? मैंने आपको बता दिया, मेरे 2-3 क्रश है, आपको बता दिया, सेलेब्स पर ये मेरा क्रश, एंड लॉट्स ऑफ लव।
बस यही था, मैंने आपको बता दिया सारे आंसर्स पे। एक मुझे बोलती है इफ यू डोंट माइंड प्लीज, मेरा ये क्वेश्चन भी है कि आपको टिप देना चाहती हूँ कि एक तो आपका मेकअप आंटी लुक में होता है, ऑलमोस्ट कुछ अलग सा न्यू कंटेंट क्रिएट करो जिससे लोगों को देखने में अच्छा लगे और अपने लुक्स को और एनहांस करो। ये कि आपने बोला कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को देखने में मजा आए, सो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि शायद आप ही ऐसी अनोखी हो कि मेरा कंटेंट आपको नहीं पसंद आ रहा है, बाकी मेरे जितने भी लोग हैं, मेरी ऑडियंस है, मैं उनको बिल्कुल दिल से जानती हूँ, उनको मेरी वीडियोस पसंद है, तभी मेरी वीडियोस पे व्यूज रेगुलर आते हैं, वो लोग कमेंट भी करके जाते हैं। और एंटी लुक में अगर आपको मेकअप लग रहा है तो आप लड़कियों वाले मेकअप देख लो, मैंने लड़कियों वाले भी, गर्ल्स टीनेजर्स वाले मेकअप भी शेयर किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मेकअप में कलर्स में ज़्यादा यूज़ करनी है, तो भाई मेकअप बिना कलर्स के तो कोई मेकअप हो ही नहीं सकता है, तो मुझे आपसे टिप लेने की शायद ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने इससे पहले आपका कभी कमेंट भी नहीं पढ़ा है। एंड आपने ये चीज़ बोली ना, लोगों को देखने में अच्छा लगे, अपने लुक्स को और एनहांस करो, तो लोगों को ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, लोगों को ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। आप मेरे वीडियोस देखो जरा, मेकअप के वीडियोस जाके, तो ऑलरेडी मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ अपनी ऑडियंस से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस चीज़ पे आपसे टिप लूँगी। हाँ, आप वैसे कुछ बोल सकते हो कि आप लिप शेड थोड़ा चेंज करो, आई लुक में आप ब्लू की जगह पर्पल यूज़ करो, बट आप मुझे पूरा का पूरा टिप दे रहे हो कि मैं अपना मेकअप गेम ही चेंज कर दूँ, तो सॉरी मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पिंपल के बारे में भी पूछा है, तो यार पिंपल के लिए एक ही चीज़ बताऊंगी, हिमालय का फेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट कर दो और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करो। ये दो चीज़ भी करोगे ना तो आपकी पिंपल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। हिमालय का फेस वॉश बहुत अच्छा है जिनकी पिंपल वाली स्किन है उनके लिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, जो जो डिफरेंट थे, बाकी रिपीट जिनके हैं आई एम सो सॉरी यार, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती, बट मैं हाँ यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, सबके नाम यहाँ आ जाएंगे, मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, ऐसा मत वरना मैंने किसी क्वेश्चन, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, बट यहाँ पे मैंने सबके नहीं लिए क्योंकि ऑलमोस्ट सबने सेम चीज़ें पूछी थी। एक लास्ट कमेंट है, इन्होंने पूछा है कि दी आप हेटर्स को कैसे डील करते हो, हेटर्स के साथ मतलब आप कैसे, इन्होंने इनका पूछने का मतलब ये कि हेटर्स को आप कैसे डील करते हो, कैसे उनके कमेंट्स जब आपको बुरा नहीं लगता वो आपको इतना बुरा बोलते हैं। तो डियर हेटर्स के साथ ये पहले मैं रिप्लाई नहीं करती थी, अब मैं उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ कईयों को, जब थोड़ा लगता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया है। वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही बैंड बजा देते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है, मेरे सब्सक्राइबर्स ही उनकी बैंड बजा देते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कमेंट्स जो बिलो दी बेल्ट चले जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा वाहियात बोलते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ करती हूँ, मैं चाहती नहीं कि उनका गंदा साया मेरे चैनल पर भी पड़े, तो बस मैं क्या करती हूँ उनके साथ कि मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ कि उनका कमेंट मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, मुझे क्या किसी को भी, वो कमेंट कर करके बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे चैनल पर निकाल देंगे, लेकिन उनका कमेंट कभी किसी को शो नहीं होगा सिवाय उनके, ना मुझे ना ही मेरी ऑडियंस को। हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूट्यूबर्स के पास कि आप उसको हाइड कर सकते हो, उसको आपकी वीडियोस से दिखेंगे लेकिन उसका कमेंट किसी को भी नहीं नज़र आएगा। तो मैं ऐसे घटिया वाहियात बिल्कुल बेकार लोगों को ना कमेंट्स ही उनके ब्लॉक कर देती हूँ, बेचारे कमेंट करते रहते होंगे, पागल हुए रहते होंगे, ऑब्सेस तो रहते ही हैं वीडियोस को लेके, मैं इतना भी जानती हूँ, क्योंकि एक ही हेटर रोज़ अगर आपको कमेंट कर रहा है तो दैट मीन्स वो आपकी वीडियोस से ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन उसको दिखाना ऐसा है जिस प्रेटेंड करना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ के आप गोलगप्पे खाने थोड़ी ना आए हो, है ना, तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि उनकी बुरा शेडो मुझे अपने चैनल पर चाहिए ही नहीं। एनीवेज मैं ज़्यादा एग्रेशन में आ गई, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, थैंक यू सो मच, मेरा पहला Q&A था, कुछ कहा सुना माफ़ करना अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मैं टॉकेटिव हूँ, जब मैं थोड़ा अपने जोन में आ जाती हूँ, मुझे मेरे टाइप के लोग मिल जाते हैं तो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेकिन जब मैं कहीं नई जगह पर होती हूँ, नए लोगों से मिलती हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसी वाली हूँ, तो हर टाइप की यू नो मेरे अंदर वेरिएशंस होते हैं। आप लोगों से तो अब रोज़ का कमेंट्स में बातचीत होना हो गया है, तो मैंने इतना खुल के आप लोगों से बात कर लिया। एनीवेज आई एम श्योर अब सब लोगों के आंसर्स मिल गए होंगे कि क्या कैसे क्यों किसको दिखाती हूँ, क्या एज ये वो, सो प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, यूट्यूब अर्निंग, सब क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट Q&A वीडियो हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे ना तब करेंगे, ठीक है, अभी उसमें टाइम है। बाकी यूट्यूब जर्नी में मैं जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उसमें हम कवर करेंगे जो YouTube जर्नी से रिलेटेड थे। ऑल राइट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।